आपके भाई का? मसूद नाम है। मसूद कितने दिन से ले लापता थे? कम्प्लेट दिया आप? सुबह में थे घर पे थे। जी घर पे ही थे। कितने बजे? घर पे थे सुबह में। सुबह में? सुबह में। तो कम्प्लेंट दिए थे आप लोग? नहीं दिया था। हाँ क्या बोले? अभी मालूम हुआ बोला मेरे को। नहीं मालूम हुआ। क्या नाम है भाई का आपके? मोहम्मद मसूद है जी। मसूद नाम है। मसूद कहाँ रहते हो? नो यहीं रहते भाई। बोलिए भाई आप। यहीं रहते भैया। क्या काम करते थे भाई? इलासा में से संगीला। अच्छा वो गाड़ी निकालो भाई, गाड़ी निकालो। कैसा हुआ मालूम है आपको कुछ भी? मेहमान कितने बजे आपके? सुबह में गए 3 बजे। नाम क्या था भैया? सुबह नाम। गाड़ी हटाओ, गाड़ी हटाओ भाई। नाम क्या है? मसूद है। क्या है चेनो की? अभी रात मुझे 3:15 बजे हमारे दिल्ली से इत्तेहाद मुस्लिमीन के जो वर्कर्स हैं, हशमत साहब, अकरम साहब, फैजान साहब का मुझे टेलीफोन आया कि एक लाश या पेंशन पेमेंट ऑफिस जो मौजूदा जो मुर्गी मार्केट को यहाँ शिफ्ट किया गया खिलवत में शाह मंजिल के सामने, वहाँ पर एक लाश मिली है। तो मैंने फौरन यहाँ पर आकर मैं देखा तो एक लाश है वहाँ पर, उसका पुलिस की ब्लू टीम्स उसका अभी मुआयना कर रही है। तभी मुझे एडिशनल DCP साहब ने बताया कि ये अभी इंक्वायरी कर रहे हैं और अभी लाश को यहाँ से पोस्टमार्टम शिफ्ट कर रहे हैं। तो इंक्वायरी करके मुझे पूरी उम्मीद है पुलिस जल्द से जल्द इसे इंक्वायरी करके मर्डर की हुआ क्या उसकी तहकीकत करेगी तो मालूम कर लेगी और खाती को भी गिरफ्तार करेगी। मटर कब हुआ सर, कोई इसके बारे में बता सकते? पता नहीं, आज हुआ होगा। आज की बात? हाँ। ये बॉडी तो पूरा ब्लैक हो गया सर। अभी अंधेरे में समझ नहीं आ क्या है, सुबह मालूम क्योंकि लाइट भी नहीं है वहाँ पर जी। बराबर लाइट नहीं है तो कोने में पड़ी हुई है लाश, मालूम ही ना कि मुर्गी की बदबू है। पता ये चलता है कैसा? कोई आदमी बोल रहा था कि शागन जो है सो जलार गुंच कर रहने वाले कोई आदमी की है बोल के। पता नहीं, सोचता शक्ल तो कोई देखे नहीं। पता नहीं। ओके पुलिस इंक्वायरी कर रही है।